इंटरनल कम्बशन इंजन्स जैसे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि उस पर से लोड हटा दिया जाए। इसके अलावा यदि पावर इंजन से सीधे पहियों तक चली जाए तो हो सकता है कि इंजन लोड न ले पाए और बंद हो जाए। दूसरी ओर अगर इंजन पर्याप्त पावर पैदा करता है तो गाड़ी अचानक से चल पड़ेगी, जिससे लोगों को असुविधा या नुकसान भी पहुँच सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इंजन को पहियों से धीरे से जोड़ा जाए। इसके अलावा ऐसी कई स्थितियां होती हैं जिसमें हम इंजन को पहियों से डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे, जैसे कि जब हमें ब्रेक लगाना हो या जब गाड़ी ढलान पर हो। इसके अलावा गियर्स बदलने के लिए भी इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ज़रूरत पड़ने पर इंजन को ट्रांसमिशन से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गाड़ी में क्लच पैडल दबाने पर कैसे एक क्लच इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर गाड़ी के इंजन में बनती है, जिसके कारण क्रैंकशाफ्ट घूमता है और क्रैंकशाफ्ट से पावर क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स को ट्रांसमिट होती है। इसके बाद यह पावर प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल से होते हुए पहियों तक पहुंचती है। क्लच फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है और जब भी क्लच पैडल दबाया जाता है, यह इंजन को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट कर देता है और इसलिए पावर गियर बॉक्स तक नहीं पहुंचती है। अब गियर्स आसानी से बदले जा सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में गियर्स फ्रीली घूम रहे होते हैं और गियर्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। एक क्लच में एक फ्लाईव्हील होता है जो सीधे क्रैंकशाफ्ट पर लगा होता है और इसलिए जब इंजन चल रहा होगा तब फ्लाईव्हील भी घूमेगा। इसके बाद एक क्लच प्लेट होती है जो कि स्टील से बनी होती है और इसके दोनों तरफ फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है। क्लच प्लेट एक स्प्लाइन शाफ्ट पर लगी होती है और यह शाफ्ट पर आगे पीछे मूव कर सकती है। यह स्प्लाइन शाफ्ट गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट होता है और जब तक क्लच को डिसएंगेज नहीं कर दिया जाता है या गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिट करता रहता है। मान लीजिए इंजन चल रहा है और इसलिए फ्लाईव्हील भी घूम रहा है। अब अगर क्लच प्लेट को थोड़ा एक्सियल फोर्स लगाकर फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में लाया जाए तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और क्लच प्लेट घूमने लगेगी। जैसे जैसे एक्सियल फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं। जब फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं तब यह आपस में स्लिप नहीं करते और हम कह सकते हैं कि क्लच पूरी तरह से एंगेज्ड है। क्लच के एंगेजमेंट के लिए यह एक्सियल फोर्स प्रेशर प्लेट द्वारा लगाया जाता है। प्रेशर प्लेट को स्ट्रैप प्लेट की मदद से लचीले ढंग से क्लच कवर द्वारा सपोर्ट किया जाता है। प्रेशर प्लेट पीछे की तरफ से रिट्रैक्टर क्लिप की मदद से डायफ्राम स्प्रिंग के बाहरी किनारों से जुड़ी होती है। डायफ्राम स्प्रिंग एक डिस्क शेप का स्प्रिंग होता है जिसके बीच में एक छेद होता है और रेडियल डायरेक्शन में स्लॉट्स बने होते हैं। डायफ्राम स्प्रिंग का मोशन इसके दोनों तरफ लगे दो वायर रिंग्स के द्वारा फिक्स किया जाता है। यह वायर रिंग्स स्प्रिंग के बाहरी किनारे से थोड़ी ही दूरी पर लगे होते हैं और एक फलक्रम की तरह काम करते हैं। इसलिए जब स्प्रिंग के सेंटर में एक्सियल फोर्स लगाया जाता है तो इसके बाहरी किनारे विपरीत दिशा में चले जाते हैं और जब फोर्स हटा दिया जाता है तो स्प्रिंग वापस पहले वाली स्थिति में चला जाता है।
यह दो वायर रिंग्स रिवेट के द्वारा अपनी पोजीशन पर फिक्स किए जाते हैं और बदले में यह रिवेट क्लच कवर पर फिक्स होते हैं। क्योंकि प्रेशर प्लेट डायफ्राम स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, यह स्प्रिंग के बाहरी किनारे के साथ मूव करती है। इस प्रेशर प्लेट डायफ्राम स्प्रिंग और कवर की असेंबली को प्रेशर प्लेट असेंबली कहते हैं और ये फ्लाईव्हील से बोल्ट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इसलिए फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट असेंबली एक यूनिट की तरह काम करते हैं और एक ही स्पीड से घूमते हैं। फ्री कंडीशन में डायफ्राम स्प्रिंग कोन शेप का होता है, लेकिन जब कवर को फ्लाईव्हील से जोड़ा जाता है तब यह लगभग फ्लैट शेप में आ जाता है। और यह प्रेशर प्लेट पर स्प्रिंग फोर्स लगाने लगता है। इसी फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील पर दबा देती है और क्लच प्लेट पर दोनों तरफ से दबाव के कारण इस पर दोनों तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और यह घूमती है। जब क्लच पैडल दबाया जाता है, एक क्लच बियरिंग डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर को अंदर की तरफ धकेलती है। इसकी वजह से स्प्रिंग का बाहरी किनारा और इसलिए प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ मूव करते हैं। इसलिए क्लच प्लेट पर से दबाव हट जाता है और यह फ्लाईव्हील से अलग हो जाती है। इसलिए अब क्लच प्लेट से कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है और इंजन ट्रांसमिशन से अलग हो गया है। जब क्लच पैडल को रिलीज कर दिया जाता है तो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से वापस जुड़ जाती है और एक बार फिर से क्लच से पावर ट्रांसमिट होने लग जाती है। इंजन में फ्लक्चुएशन, अचानक से क्लच एंगेजमेंट या दूसरे किसी झटके का ट्रांसमिशन पर असर कम करने के लिए क्लच प्लेट में टॉर्शनल स्प्रिंग दी जाती हैं। गियरबॉक्स का इनपुट शाफ्ट स्प्लाइंड हब से जुड़ा होता है, वहीं रिटेनर प्लेट्स क्लच प्लेट पर फिक्स होती हैं। हब इन दोनों रिटेनर प्लेट्स के बीच में लगाया जाता है और कुछ हद तक घूम सकता है। टॉर्शनल स्प्रिंग को लगाने के लिए स्लॉट्स दिए जाते हैं। इस प्रकार जब क्लच एंगेज होता है तो क्लच प्लेट के घूमने के कारण पहले स्प्रिंग्स हब पर कंप्रेस होती हैं और फिर यह हब पर फोर्स लगाने लगती हैं, जिसके कारण हब घूमता है। और इस प्रकार पावर स्मूथली गियरबॉक्स को ट्रांसफर हो जाती है।